नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के कालाढूंगी में किसान हुआ दोहरी मार का शिकार। नैनीताल के कालाढूंगी क्षेत्र के अंतर्गत धम्बोला नवाड़ गांव का है, जहां मोहन राम पुत्र घनराम उम्र 55 साल दोहरी मार का शिकार हुआ है। किसान ने बताया कि खेत में खड़ी हुई धान व मुंडुए की फसल को हाथियों ने रौंदकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जो आज मौके पर बदहाल अवस्था में खड़ी हुई है तथा जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी कई दिनों तक कई मूसलाधार बारिश से किसान की टमाटर की फसल पूरी तरह से सूखकर बर्बाद हो गई थी, जिससे कि किसान व किसान का परिवार सदमे में जीने को मजबूर है। वहीं किसान ने बताया कि वह अपने व अपने परिवार का खर्चा इसी फसल से उठाता है, लेकिन हाथियों ने ऐसा कहर बरपाया कि किसान पूरी फसल अपने पैरों तले रौंद कर बर्बाद कर डाली। इसी के साथ ही किसान ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार भी लगाई है। देखिए किस तरह अपना दर्द बयां करता नजर आ रहा है पीड़ित किसान। कुमाऊं संभाग ब्यूरो गंगा आर्य की रिपोर्ट। ऐसा है, बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई है। हमारे पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, हम इसी पर निर्भर रहते हैं और इस बार फसल की सब तरफ से चौपट हो गई। उधर धानों में हाथी आ गया, हाथी ने सब धान को रौंद दिया है। अब हमारे पास कुछ खाने का जुगाड़ नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ थोड़ा सा रेख दे करें, हमें और सहायता दें। हम इसी वजह इसी को देख रहे हैं और कोई चारा नहीं है हमारे पास। से टमाटर नाश हो गया और धान का तो चलो, धान में तो हाथी ने कूद दिया, वो तो चलो जो है टमाटर जो होता था हर साल है खर्चा पानी निकल जाता था, बच्चों का खाना पीना भी इसी निकल जाती थी। इस बार सब चौपट हो गया, परेशान है, काम धाम भी है नहीं कुछ।